वेलकम यू ऑल इन टीआरएलएसएस वीडियो लेक्चर्स। और इस वीडियो लेक्चर्स में गेट 2016 में 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन आया हुआ है उसके सॉल्यूशंस को समझेंगे। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ इन रिस्पांस टू 5 सेंटीमीटर रेनफॉल एक्सेस इन ए कैचमेंट इज शोन इन द फिगर। ये डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ है, हम लोग देख सकते हैं वाई एक्सिस में डिस्चार्ज है, जो मैक्सिमम डिस्चार्ज है वो 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड से, और एक्स एक्सिस में हमारा टाइम है जो कि आवर यूनिट में दिया गया है। और ये जो शेप ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ्स है वो ट्रायंगुलर शेप का है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था एरिया ऑफ द कैचमेंट एक्सप्रेस्ड इन हेक्टेयर्स इज। तो एरिया ऑफ कैचमेंट निकालना है इन हेक्टेयर्स में, तो कैसे करेंगे हम लोग? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हेक्टेयर्स में निकालना, तो हेक्टेयर में हम लोग को समझना पड़ेगा कि 1 हेक्टेयर जो होता है 10^4 मीटर स्क्वायर होता है। तो एरिया ऑफ जब डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ्स होता है ना, वो हम लोग को देता है कि रेनफॉल एक्सेस जो 5 सेंटीमीटर का हुआ है उसके कारण कैचमेंट में कितना वाटर, जो वॉल्यूम वाटर हमारा इंक्रीज हुआ है। तो वो फार्मूला हमारा एरिया ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ का है एरिया ऑफ कैचमेंट इनटू रेनफॉल एक्सेस। तो एरिया ऑफ कैचमेंट हम लोग को पता नहीं, जो कि फाइंड आउट करना है, और रेनफॉल एक्सेस जो कि 5 सेंटीमीटर दिया हुआ था। तो 5 सेंटीमीटर को हम लोग 5 × 10^-2 मीटर लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग, चूँकि डायग्राम हम लोग को दिया हुआ है ट्रेंगुलर शेप्स हैं, तो ट्रेंगुलर शेप का डायग्राम 1/2 × बेस × हाइट करेंगे, तो एरिया ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, उससे भी हम लोग को वॉल्यूम ऑफ एक्सेस वाटर जो है ड्यू टू 5 सेंटीमीटर रेनफॉल वो पता चल जाएगा। तो 1/2 × बेस, चूँकि 6 आवर हमारा बेस था ट्रेंगल शेप का, और आवर को हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, 60 × 60, क्योंकि 1 आवर हमारा अप्रोक्सीमेट 3600 सेकेंड के बराबर होता, और डिस्चार्ज जो है हाइट हमारा 1 था। तो इस तरीके से एरिया ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ 108 क्यूबिक मीटर ये आ गया हमारा। तो दोनों तरीके से हम लोग एरिया वॉल्यूम ऑफ एक्सेस जो वाटर हुआ रेनफॉल के कारण वो निकाल लिए। फिर ये हमारा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब इक्वेट करेंगे तो हमारा फाइनली जो एरिया ऑफ कैचमेंट निकल के आएगा वो 216000 मीटर स्क्वायर, जो कि 10^4 से जब डिवाइड करेंगे तो उसका वैल्यू हो जाएगा 21.6 हेक्टेयर्स। तो काफ़ी इजी क्वेश्चंस था। तो और वीडियो लेक्चर्स आप लोग के लिए अपलोड करेंगे, जिससे आप लोग गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को समझने में आसानी होगा, और क्विक रिवीजन से आप लोगों को गेट प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प मिलेगा। थैंक यू।